जिला जेल में कैदियों और बंदियों के विचारों में बदलाव लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जेल प्रबंधन द्वारा नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ जेल अधीक्षक वीबी प्रसाद ने रविवार को आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया। इसमें योग वेदांत समिति सदस्यों ने बंदियों को सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करते हुए सहज योग से सदाचार की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्हें योग, प्राणायाम, अध्यात्म से जुड़ने के साथ मंत्रोच्चार, हास्य प्रयोगों के माध्यम से तनाव मुक्त रहने का मंत्र दिया गया। कैदियों को मनुष्य जीवन का मोल समझाते हुए व्यसन मुक्त रहकर सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। समिति के भारत कृष्ण मोइदे ने कहा कि जेल में आने से ये विचार न रखें कि उनका जीवन समाप्त हो गया। यह नई शुरुआत का स्थान है। जेल को सजा काटने का स्थान न समझे, बल्कि इसे तपोस्थली आश्रम मानकर अपने विचारों में बदलाव लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। भगवान का नाम है राम 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 राम, तीन बार सुना किसी ने? सुना केवल दो बार। क्यों दो बार बोला? कि मेरे में भी राम है, सामने वाले में भी राम है। थोड़ा सा भजन एक करी गलत है। मुझ में राम, तुझ में राम, भाई बुझाओ। मुझ में राम, तुझ में राम, समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ऊंच नीच की भेद भावना, हम यहाँ पे हमारे जेलर साहब का आमंत्रण हुआ कि हमारे जेल में रहने वाले जो है बंदीगण, उनके अच्छे विचार उनके जीवन में आ जाए, इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल के आइए और हमारे बंदीगण के जीवन में अच्छी अच्छी बातें बताकर उसका जीवन और उज्जवल हो सके, ऐसी बातों के लिए हमको बुलावा भेजा तो और हमने भी समय निकाल के हम पहुँचे जेल में। किस तरह समझाए हमने इसमें व्यसन मुक्ति, हमारे जीवन में व्यसन का कितना नुकसान है, हमारे परिवार का इससे क्या नुकसान है, और ये व्यसन जरा सा होने के कारण जो समाज में उसकी विकृतियां आती है और उस विकृतियों से क्या क्या करना पड़ता है और ऐसी जगह पे हमको समय देना पड़ता है, उस बारे में चर्चा की। उसके मनुष्य शरीर कितना अनमोल है, उनको किस प्रकार से सफल बनाए, और ये हमें जो ये समय मिला है बंदी गृह में रहने का तो उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सके, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। क्या नाम लिखा? मेरा नाम महेश भाई पटेल है और मैं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में। रचनात्मक गतिविधि हम सब करते रहते हैं। पिछले सब महीने ही हम सब ने खेल गतिविधि करी थी। उद्देश्य यह रहता है कि बंदियों के बीच रचनात्मक कार्य होते रहे ताकि उसमें सकारात्मक एनर्जी और ऊर्जा का एनर्जी और विचार डेवलप होते रहे। इसी क्रम में मैंने आज यो वेदांत समिति के महेश भाई पटेल, मोइदे जी, सुनील सोनी जी को बुलवाया और उन्होंने अल्प निमंत्रण पे हुए बंदियों के बीच पधारे और बंदियों के को उत्प्रेरित किया। बंदियों में एक सद विचार आता है इस तरह के सकारात्मक कार्यक्रमों से, और चूंकि समाज के अभिन्न अंग हैं ये बंदी, क्षणिक अपराध में, क्षणिक उत्तेजना में अपराध कर लेते हैं, तो ये चूंकि शासन की पॉलिसी रहती है कि समाज के इन बिगड़े हुए लोगों को पुनः सुधार कर समाज में वापस करें, तो इस उद्देश्य से ही हम इन महानुभावों को बुलवाते हैं और ताकि उनमें समाज में अच्छा संदेश जाए, ये समाज के अच्छे नागरिक बन के पुनः समाज में समाहित हो सके, यही विचार रहता है। बीबी प्रसाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।